रेखा बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर अदाकाराओं में से एक है। जितनी वो पॉपुलर है उतने ही उनके किस्से भी। उनके चाहने वालों की लिस्ट भी काफी ज्यादा लंबी है। रेखा और रीना रॉय के लव अफेयर पर भी खूब चर्चा की जाती रही है। जहां रीना रॉय का नाम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जोड़ा जाता था, तो वहीं रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ खूब सुर्खियों में रहा था। इसके साथ ही दोनों ने फिल्म नागिन में साथ काम किया, जो साल 1976 में रिलीज हुई थी, जिसको राजकुमार कोहली ने प्रोड्यूस किया था। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बता दें कि रेखा गाने तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर का शूट करने के लिए तैयारी कर रही थी, जिसके चलते रेखा ने कई ड्रेसेस रिजेक्ट करने के बाद अपनी एक ड्रेस फाइनल कर ली। लेकिन बाद में उनका मन बदल गया जब उन्होंने अपने से बेहतर ड्रेस किसी और को पहने हुए देखा। दरअसल हुआ यूं कि रीना रॉय और जितेंद्र पर तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना शूट करने जा रहे थे। गाने की शूटिंग के दौरान रेखा भी वहां मौजूद थी, और जैसे ही रेखा ने रीना रॉय की वो ड्रेस देखी तो उनका दिल उस ड्रेस पर आ गया और वो आग बबूला हो गई। बता दें कि रेखा सीधे फिल्म के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली के पास गई और उनसे कहा कि मेरी ड्रेस चेंज कीजिए। प्रोड्यूसर ने हैरान होकर उनसे कहा, ड्रेस तो तैयार हो गई है। लेकिन रेखा ने साफ कह दिया कि उस ड्रेस में मैं शूट नहीं करूंगी, आपने मुझसे अच्छी ड्रेस रीना रॉय को दी है, मुझे उससे अच्छी ड्रेस चाहिए, वरना किसी और से वो गाना शूट करवा लीजिए। रेखा का उन दिनों बहुत बड़ा नाम था, कोई प्रोड्यूसर उनकी नाराजगी नहीं झेल सकता था। आखिरकार राजकुमार कोहली को रेखा की बात माननी पड़ी और उनकी ड्रेस बदलवाई गई, जिसके बाद ही रेखा ने अपना शूट किया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।